इस वक्त सुबह के तकरीबन 4 बज रहे हैं और जो तापमान यहाँ का होगा अंदाजन वो तकरीबन 4-5 डिग्री के आसपास होगा। ओस पड़ रही है, ठंड बहुत ज़्यादा है। ये शंभू बॉर्डर है हरियाणा और पंजाब की सीमा पे अंबाला में। मेरे चारों तरफ आपको ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ खड़ी हुई नज़र आएंगी, टेंट से ढकी हुई, और इन टेंट्स के अंदर जो लोग सो रहे हैं वो देश के किसान हैं। वो किसान जो MSP की गारंटी सहित अन्य लगभग 10-11 मांगों को लेकर दिल्ली जाना चाहते हैं, सरकार से अपनी मांगें पूरी करवाना चाहते हैं। इस वक्त सुबह 4 बजे ये लोग यहाँ पर विराम कर रहे हैं। ठंड में मौसम बहुत ख़राब है, ये मैं बार बार इस बात को दर्ज कराना चाहता हूँ। तो ये एक तरीके के डेडिकेशन को दिखाता है, उस संकल्प को दिखाता है जिस संकल्प को लेकर ये लोग निकले हैं अपने अपने घरों से। 2020-21 में एक बार हमने इनकी संकल्प शक्ति का परिचय देखा है, सिंघू बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, हर अलग अलग जगह। इस बार इस तरीके का कुछ परिचय देखने को यहाँ अंबाला में पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर मिल रहा है। लेकिन आज सुबह कई सुबह जो हुआ, क्योंकि मैं इस वक्त जब यहाँ पे हूँ तो 14 फरवरी की सुबह 4 बजे मैं आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कैमरे से, आप लिहाजा दिन में इसको देख रहे हैं। तो कल जो हुआ यहाँ पर, उन तस्वीरों ने पूरे देश को परेशान किया, थोड़ा सा व्यथित किया। वॉयलेंस एक तरीके का यहाँ पर देखने को मिला और अलग अलग तरीके के रिएक्शंस थे, बहुत से लोग घायल भी हुए रिपोर्टेडली बताया जा रहा है। तो अब हम यहाँ पर जब आए हुए हैं सुबह 4 बजे, तो अभी भी यहाँ का माहौल ये है कि यहाँ पर बहुत से लोग जगे हुए नज़र आ रहे हैं, आग सेकी जा रही है, लिहाजा तापमान क्योंकि गिरा हुआ है। तो एक बार इनसे बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि आज जो सुबह हुआ है, कल जो सुबह हुआ है बल्कि, उसका क्या इम्पैक्ट आया है, क्या मनोबल में किसी तरह की कोई गिरावट है, और क्या सोच है, क्या कोशिश है इन लोगों की। आप लोग सोए नहीं क्या रात को? रात को भी गोलियां चली क्या? मेरे भतीजे के दौर में लगी गोली। किसको लगी? मेरे भतीजे के। आपके भतीजे को? ये तो मोर्चा पता करके जाएंगे या नहीं जाएंगे, जम सीधिया बाजेंगे ना। अभी मैं गया था उधर, हरियाणा पुलिस ने जो बैरिकेटिंग की गई है उनसे बात करके लग रहा है कि उन लोगों का साफ मन है कि इस बार किसी को जाने नहीं दिया जाएगा वहाँ पे, साफ उनकी कहना भाई था। सब भाग जाएंगे, सब जब आंदोलन पे आते हैं ना, सब सोच के आते हैं, वो सोच रहे हैं नहीं निकलेंगे, हम सोचते निकलेंगे उधर, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग तय करके आए हैं कि निकलने ही हैं? हम भाई जी शांति में इसे निकलेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हम उनको नहीं कोई दुख देंगे, शांति में इसे उधर निकलेंगे। आज पहला दिन था आप लोगों के आंदोलन का, लेकिन जो भी हुआ सुबह, आंसू गैस के गोले चलाए गए, रबड़ वाली गोलियां चलाई गई, आपने बताया चोट भी लगी, आदमी जख्मी हो गया, 100 से ज्यादा आदमी जख्मी हुआ जी, इसी के तौर पर एडमिट हुए हैं बहुत बंदे, एडमिट हुए हैं बहुत ज्यादा। तो जो भी ये हुआ उसके बाद आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा मुश्किल होने वाला है इस बार, या सरकार का रवैया थोड़ा ज्यादा सख्त है पुलिस कर्मियों का? भाई जी जब भी होता है कि ऐसा ही होता है, ये सब ठीक हो जाएगा जी, हम 2 दिन 4 दिन 2 महीने इतने बैठेंगे, जब निकालेंगे तो निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है हमको। 6.5 महीने का राशन बेल नहीं आ गया, 6.5 महीने का राशन ट्रैक्टरों पर ट्रालियों पर लेके आंदा हुआ है, 6 महीने का राशन। ये होर मंगाना है, होर पे देंगे ट्रैक्टर ट्रालियां भाई, हम तो होर मंगाएंगे ये प्रधानमंत्री बना सकते, दे भी सकते प्रधानमंत्री अपना, अपा राजे कोई बात है तो पता नहीं जानी जाना है कि हमें ये दुख है, हमको आगे क्यों नहीं जाने देते जी। बहुत से लोगों को ये भी लगता है जो दिल्ली में बैठ के न्यूज चैनलों पे आप देखते हो, अलग खबर चलती है, तो लोगों को लगता है कि ये तो पॉलिटिकल एक प्रोटेस्ट है, आप लोग किसी राजनीतिक पार्टी से समर्थन में कर रहे हैं, या क्या इस पे सफाई देना चाहते हो, आपकी क्या आप लोगों की मांग है? जेड़ा किसान होंदा वो राजनीति उन्हें कोई लेना देना नहीं किसी पार्टी का, ठीक है, वो अपने हक लेना होंदा बस, बैठे हैं सारी रात कट्टी है, 1 मिनट नहीं सोए। क्यों नहीं सोए आप लोग? लेकिन मैं वही जानना चाह रहा हूँ, वो साड़ी मर्जी है, ऐसी है उधर गेड़ा मार के उन्हें भी, वो भी ना सो जाना, ठीक है ना। अच्छा आप लोग अगर पैदल भी जा रहे हो उस तरह, हाँ। तो भी मना कर रही है क्या पुलिस, मतलब पैदल जाने जदों, भी जदों भी ज्यादा बंदे होने जदे गोला सिट देने हो गोली चला देते हैं, ये चाहिदा है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इन्हां भी चाहिदा है, गवर्नमेंट नु कोई है नहीं भी रास्ता बंद करे, ठीक है, सरकार नु भी नहीं हैगा भी रोड बंद करे, इन्होंने देखो किदां दा ये चाइना बॉर्डर बनाया पिया है,
चाइना बॉर्डर पर भी नहीं इन्ना होना, पाकिस्तान भी नहीं इन्ना होना। और एक चीज हो रहा है, जब आप लोग आए सुबह सुबह 10 बजे के आसपास यहाँ पे, मैं 10-11 बजे आया, जातियाँ लगातार गोलियां चल रही हैं। नहीं तो क्या, जैसे जब आप लोग आए तो उधर जो सुरक्षा कर्मी थे, आप लोगों ने एक बार बात की थी उनसे भाई? बात कोई नहीं, बात गोलियां चलने लगी, बात कोई नहीं करता, असि अपना रास्ता हटाने वो गोलियां मारते हैं, वो गोलियां चलाते हैं। हाँ उधर साढ़े दो ट्रैक्टर भन्ने पाए हैं, टायरां च गोलियां मारते हैं। अच्छा ये गल है। मेन मांग क्या है फिर आप लोग, एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं आप या उसके अलावा? जो हमारी मंगा है 10-12 मंगा है, बस उन्होंने पूरी सहमति नहीं बनी, इस करके असि बैठे हैं जी। हाँ जी, और आप बैठे रहेंगे जब तक ये? बस बैठे रहेंगे, 2 साल बैठेंगे, 2 साल बैठे रहेंगे जब तक जी। तो ये इस वक्त सुबह 4 बजे का यहाँ पे नजारा है, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, हर एज ग्रुप के आपको लोग यहाँ पे नजर आएंगे। और साफ सीधा सा स्टेटमेंट है, क्रिस्टल स्टेटमेंट है, ज़्यादा इसके अंदर कोई सोच विचार वाली बात नहीं है। सीधी सी बात है कि सर हमको ये बॉर्डर क्रॉस कर रहा है, हम दिल्ली जाना चाहते हैं, जब तक बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया जाएगा हम यहाँ बैठेंगे और अपनी तरफ से हर संभव कोशिश करेंगे। अब इसमें कुछ सवाल आप ज़रूर उठा सकते हैं और आपको उठाने भी चाहिए एक जागरूक नागरिक होने के नाते, कि क्या जिन तरीकों से बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की जा रही है वो वैलिड तरीके हैं, लेकिन काउंटर क्वेश्चन भी आएगा कि क्या जिन तरीकों से किसानों को रोकने की कोशिश की जा रही है वो एक वैलिड तरीका है, खास तौर पर एक लोकतांत्रिक देश में जहां पर आपको अधिकार देता है देश का संविधान अपना विरोध प्रकट करने का प्रोटेस्ट के माध्यम से। तो क्या आंसू बम के गोले चलाना, फिर उसके बाद रबर गन्स चलाना, कई लोगों का इंजर्ड होना, वो अपने आप में एक सवाल का मुद्दा हो सकता है। लेकिन उसके अतर यहां पर भी आप लोग भी नहीं सोए हैं क्या रात को? खेल रहे हो आप लोग? तो सोए क्यों नहीं लेकिन आप लोग रात को? मैं उधर आ जाता हूँ। हाँ अब तो खेतों में भी सोते हैं यहाँ पर, तो क्या जी रात को पानी लगाते हैं। हाँ जी बताओ दोस्तों, क्यों नहीं हो आप लोग? पहले तो मुझे बताओ, इतनी ठंड हो रही है, हम तो दिल्ली से आए, ठंड कितनी हो रही है, आगे बढ़ रही है, तुझे भी सेको। कब तक रुकने का मन बना के आए हो आप लोग? नहीं पता, पहले साल बैठे थे, हूं तो जी करता ना पूछना, तीन चार साल बैठूंगा दिल्ली जाके, छोड़ दे नहीं। अब दिल्ली नहीं जाने देंगे तब तक आप लोग बैठोगे? ओ दिल्ली आहा, आ रोड खाली है, टिप्पर ट्रालियां मिट्टी दी आनियां, सिट सिट जेबीसी दा एडे एडे आ, बंब चला दे, तोपां चला दे, गोली चला ले, चला ले जिहड़ी चलाउणी आ। दो शहीद हो गए साडे, कोई गल नहीं, शहीद हुए बैठे हैं। हां दो शहीद होए हैं साडे, कल गोली कांड हुआ, कल जो गोली कांड हुआ शहीद हुए हैं दो लोग, गोलियां चलियां, गोलियां फोटोआं साडे कोल, काका दिखाई फोटो कड़ी गड़ी। नहीं आप कह रहे हो कि शहीद हो गए हैं लोग? हां शहीद हुए हैं साडे, शहीद हुए हैं, नहीं हुए शहीद हो गए, शहीद हुए हैं, गोली वजी अख पे लगी, जो मरे किसान मरे, ये गोलियां चली हैं, देखो दिखाओ उधर भी। तो गोलियां लेकिन क्यों चली, कैसे नौबत आ गई कि गोलियां चलानी पड़ गई उन लोगों को? पूछो जाके चले नहीं तो, जैसे आप लोग अगर पैदल भी जाते हो उधर, तू गोला फेंक देते हो तो इतना बड़ा गोला फेंक दे जैसा पाकिस्तानी फेंकता, इतना बड़ा तो गोला, आपको कुछ नहीं पता। हाँ मैं यही जानना चाह रहा हूँ क्योंकि अगर चलो ऐसे करो, आप जानना चाहते हो, मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ, हम चलते, इसको छोड़ दो, आप बताओ ना, छोड़ो पर आप उधर चलते हैं, जाते जाते ही पता लग जाना है, जाते जाते ही पता लग जाना है, मुझसे आगे तुम हो गए, तुमसे आगे तो हमारा वीडियोग्राफर हो गया, वाह हो गया, धन धन धन। मैं कहूंगा भाई रुक जाओ, आपको मैं तेरे छोड़ यार, हमने कुछ नहीं करना, हमको जाने दे, देखना तो चलो चले, नहीं देखा यार आपने, कल सुबह भी आऊंगा, अब तो सुबह हो ही गई है आज फिर से, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि आप लोग सब सो रहे होंगे, मैं बहुत लोगों को देख के की जगह, शायद कल सुबह हम परली सर मिलेंगे, आपको उम्मीद है कि पार कर जाओगे आप लोग? हाँ मिट्टी फेंकेंगे ऊपर से निकल जाएंगे, उनकी जो वहाँ पे लगे हुए हैं अफसर खड़े हैं, उनकी ड्यूटी है, हम उसको कुछ नहीं कहते, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, ड्यूटी कर रहे हैं, ठीक है, हम उसको कुछ नहीं कहते, चलो कोई बात नहीं है, हम ड्यूटी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, जब हमारे बंदे बोलेंगे पीछे से चलो भाई जाएंगे हम ही जगह पर। लेकिन आपने कहा कि दो लोग शहीद हो गए, मुझे नहीं पता था इसके बारे में, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है अगर दो लोग शहीद हो गए, शहीद हो गए हमारे दो लोग, शहीद हो गए, 70-80 के जख्म बैठे हैं, 70-80 लोग घायल हुए हैं, हो गए होंगे इतने तो, 50-60 बंदे शहीद, ओ अपना घायल हो गए,
काफी बंदे है, नहीं बिल्कुल हम लोगों ने देखा, हमने कवर भी किया, लेकिन ये जो जिंदा दिली है वो आपको नजर आ रही है इस प्रोटेस्ट के अंदर। जी क्या नाम है बाबा आपका? हाँ जी आवाज थोड़ी सी आपकी बैठ गई है यार। अच्छा तो आवाज आपकी कैसी, इधर आज चिल्लाकर आज थोड़ी सी खराब हुई क्या? तो क्या हुआ था दिन में, आप थोड़ा बताइए हमको कि कैसे आज आप लोग यहाँ पहुंचे, क्यों टीयर गैस के गोले चलने की नौबत आई, इतना मतलब कैसे हिंसा भड़क गई? हम सारा दिन लड़ते रहे, सारा दिन लड़ते रहे, हमारे कम से कम 100 से 100-150 जो बच्चे थे घायल हो गए। 100-150 बच्चे आप लोग घायल हो गए, सारा दिन यहाँ पर वाले चलते। अब आगे का क्या आप लोगों का प्लान है, क्योंकि आज तो आप नहीं कामयाब हो पाए यहाँ से बाहर जाने में। हरियाणा पुलिस का साफ कहना है कि ट्रैक्टर ट्रॉली अगर यहाँ से लेके जाएंगे किसान तो किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। सर जो हमारे प्रधान साहब कहेंगे होगा। आप लोग लेकिन तैयार है इस लड़ाई के लिए, यहाँ रुके रहने के लिए आप तैयार है? तैयार है सर, हमें अपनी मतलब की जान भी देनी पड़ी थी। IMSP की गारंटी के लिए ये मेल लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं गारंटी का? जी सर हम जो भी कुर्बानी देनी पड़ी थी। जी कितनी उम्र है आपकी? मेरी 58 जी सर। हम जहाँ से ये पड़े हुए जी, देखो पीछे देखो ये बच्चे, हेलो जी ये जवान बच्चे, हेलो चोट आई है आपको क्या? नहीं नहीं चोट नहीं है, सो रहे थे अभी। आप सो जाइए, आप सो जाइए, कोई बात नहीं, हम लोगों ने आके एक बार देखना चाहा कि क्या, कोई बात नहीं, आप सोने दो उनको। बच्चे क्या नाम है आपका? मेरा नाम गगनदीप सिंह है। क्या हुआ था दिन में, कैसे वायलेंस इतना इरप्ट हुआ कि टीयर गैस चलाना पड़ा पुलिस को? हम तो यहाँ पे शांत माहौल पर बैठे हुए थे यहाँ पे जी, सबसे पहले फायरिंग उस उन लोगों की आई है, पहले उधर से फायरिंग की गई। पहले बात उतरी, हम तो शांत, हम तो यहाँ पे बैठे थे, हम तो शांत पर माहौल पर यहाँ पे बैठे थे, हमने तो कुछ भी नहीं किया जी। ठीक है, सबसे पहले उन लोगों ने फायरिंग की है। अब आप इस तरीके से जीप में सो रहे हैं, ठंड का भी मौसम है, ठंड भी इधर काफी है, तो दिक्कतें आपको अलग तरीके से आ रही हैं, लेट भी नहीं रहे हैं आप, बैठे बैठे सो रहे हैं? कोई नहीं सर, जो है परमात्मा की रंग है ये तो जी, और करते भी रहेंगे जब तक सांसें हैं। कब तक आप सोच के आए हैं कि लड़ाई अगर लड़नी पड़ी? जब तक है, जब तक जिंदगी है, जब तक जिंदगी है तब तक चलते रहेंगे, ऐसी जो यहाँ का माहौल है वो माहौल अपने आप में एक बार आपको फिर से उसी किसान आंदोलन की याद दिलाता है जो साल 2020-21 में हमने देखा था। साफ टेक है कि जब तक पार नहीं होने दिया जाएगा यहीं रहेंगे, हर कोशिश करेंगे कि उसको पार करने दिया जाए, दिल्ली पहुंचने दिया जाए। अब इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आपको उनके बारे में भी सोचना होगा, यहाँ 3-4 degrees तापमान में पूरी रात खड़े होकर जो सुरक्षाकर्मी वहाँ ये इंश्योर कर रहा है कि कोई पार ना करे वो भी अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी पर है। ये लोग अपनी मांग कर रहे हैं, ये अधिकार इनको देश के संविधान ने दिया है कि आप अपनी मांग कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। अब कौन सही है कौन गलत है और जो गलत है उसको सही कैसे किया जाए, ये सारी चीज़ें हैं जो प्रशासन को हल करनी होती हैं। तो कहाँ देर लग रही प्रशासन को इन चीजों को हल करने में, यह भी अपने आप में एक सवाल है। और इन सब के इतर ट्रैफिक में जो दिक्कतें आ रही हैं, जो आम जनता जिसका शायद खेती से कोई लेना देना नहीं है, हालांकि ये बात गलत है क्योंकि हम सभी लोग किसी ना किसी तरीके से इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं, जो एग्रीकल्चर मार्केट है उसमें हम लोग बायर्स होते हैं और बायर लेड मार्केट होता है एग्रीकल्चर मार्केट। डिटेल रिपोर्ट्स में मैं आपको आगे जरूर बताऊंगा कि क्या मांगे हैं इन लोगों की, लेकिन एक मुख्य मांग ये है कि सर MSP का जो लॉ है ना उसको आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बिल लेकर आइए और MSP गारंटी कानून बना दीजिए कि मिनिमम सेलिंग
सेलिंग प्राइस होगा, उससे नीचे आप कोई भी फसल किसान से नहीं खरीद सकते हैं, कोई भी प्रोड्यूस आप वहाँ से नहीं खरीद सकते हैं। ये एक इनकी मेन मांग है, किसान कर्जा माफ़ी को लेकर एक मेन मांग है जो ये लोग करते आ रहे हैं कि किसानों के कर्जे कम से कम माफ़ कर दिए जाएँ, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या करता है कम से कम वो ना हो, और इस तरह की काफ़ी मांगे हैं। 10 से 12 मांगों की फेरिस्त है जिन्होंने थमाई थी, उन पर अभी रजामंदी और एक तरह का समझौता सरकार और किसानों के बीच में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से आप ये पूरा संघर्ष देख रहे हैं। लेकिन इस पूरे संघर्ष को हल करने की जिम्मेदारी उन लोगों की बनती है जिनको वोट देकर हम चाहे लोकसभा में या फिर अपने राज्य की विधानसभा में बिठाते हैं, विश्वास जताते हैं। अब उसमें क्यों देरी हो रही है, अगर दो लोग शहीद हुए हैं तो किसान थे या नहीं थे, इससे कोई मतलब नहीं है। क्या उनकी मांग थी, क्या गलत हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिन दो परिवारों ने अपने अपने घर के बच्चे खोए, उनके लिए पूरी उम्र का एक याद रह जाएगी और दुखद याद रह जाएगी। इन सबके इतर जो सुरक्षा कर्मी आज जो कल घटनाक्रम हुआ उसमें घायल हुए, उनके लिए एक बहुत अनफॉर्चुनेट इवेंट है। कोई खुश नहीं होता इस तरीके के प्रोटेस्ट से और हिंसक प्रोटेस्ट से जो हमने कल देखा। हम लोग उम्मीद करते हैं कि अब जो भोर हो रही है 4 बजे से और अब दोपहर तक जब मैं आपको एक अगली रिपोर्ट में बताऊँगा तो ऐसा कुछ ना हो, लेकिन ऐसा कुछ ना हो इसको सुनिश्चित करने के लिए कुछ ज़रूरी कदम उठाने होंगे। वो कदम क्या है इसका जवाब अभी किसी के पास नहीं है। ये मोजो स्टोरी की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट थी जो हमने आपको दिखाई है सुबह के 4 बजे। कोई और मीडिया इस वक्त यहाँ पर नहीं है, हो सकता है हो भी, वो हमारा मोटिव नहीं है, लेकिन कोशिश ये थी कि आपको ये दिखाया जाए कि कैसा होता है आंदोलन में जब वायलेंस के बाद रात को 4 बजे लोग सोते हैं और सो भी नहीं रहे हैं, इनफैक्ट जगे हुए हैं। और बहुत अलग एक एलिमेंट ये है कि बुजुर्ग हों यंग हों, अलग अलग मल्टीपल एज ग्रुप के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कैमरा पर्सन अनूप कुमार के साथ हर्षित शर्मा, मोजो स्टोरी, अम्बाला।